हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का मेरा वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि ये करवा चौथ का हम महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा त्यौहार आ रहा है, तो इसके लिए मैंने एक थाली तैयार करवाई है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसी थाली तैयार करवाई है और कहाँ से करवाई है, ये भी बताऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसी थाली बनवाई है, उसके बाद मैं बताऊँगी कि कहाँ से बनवाई है। तो चलो अब मैं आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये है, और अब मैं आपको इसमें से निकाल के दिखाती हूँ कि मैंने कैसी थाली बनवाई है करवा चौथ के लिए। तो चलो अब इसको हम निकालते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। तो ये देखिए, नजदीक से हैप्पी करवा चौथ लिखा हुआ है इस पे। तो ये तो है थाल, सुंदर सा। और इसके साथ और क्या क्या बनवाया है मैंने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यह है अपनी छलनी, ये देखिए, छलनी पे भी मेरी फ़ोटो है, मेरी और मेरे हस्बैंड की, दोनों की फ़ोटो फ्रेम लगी हुई है। और उसके बाद में ये कलश, ये वाला, और उसके बाद में थाल का ऊपर का कवर, ये ऐसा फोटो वाला, और एक छोटा सा पिलो जिसको हम डेकोरेट भी कर सकते हैं, इसके साथ में ही थाली के साथ में ही मिला है ऐसे करके। तो यह है मेरी करवा चौथ की प्यारी सी थाली, और यह है इसका कवर। मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया कि जैसी थाली मैंने बनवाई है, वैसी थाल आप भी अपनी करवा चौथ के लिए तैयार करवा के अपनी करवा चौथ को और ज़्यादा स्पेशल बना सकते हो। तो ये अब मैं बताती हूँ कि मैंने ये कहाँ से बनवाई है। तो ये सीकर में तबेला मार्केट में फागलवा पेट्रोल पंप के पास में एक शॉप है जो गिफ्ट बॉक्स के नाम से है। तो आप सीकर के आसपास के हो तो जरूर इस शॉप पे विजिट करो, ऐसी थाली आपको सेम डे ही बना के दे देंगे वो। और मेरी स्क्रीन पे इनके मोबाइल नंबर भी चलेंगे, तो आप फोन से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इनका ऑनलाइन काम भी है। तो आपको भी ऑनलाइन ऐसी थाल मंगवानी हो तो वैसे आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, और सीकर के आसपास के हो तो आप ऑफलाइन भी शॉप पे जरूर विजिट करें। और इनके और भी फोटो फ्रेम गिफ्ट वगैरह का बहुत अच्छा काम है, तो आप एक बार शॉप पे जरूर विजिट करें। और ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। राम राम सभी को।